अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड से डॉनकास्टर, तो चलिए आप चलिए हमारे संग। जी जनाब, तो हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की जानिब। जी, एज यू कैन सी, ये है ब्रेडफोर्ड इंटरचेंज। जी जनाब, अब हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए ताकि ट्रेन आए और हम उसमें बैठ जाएं। जी देखिए जी, बड़ी आराम से, बड़ी ही स्लो स्पीड में हमारी ट्रेन जो है वो आ रही है। जी हम लोग आ गए ट्रेन के अंदर, बैठ गए और मास्क मस्ट है, मैंने भी अपना मास्क पहना हुआ है एज़ यू कैन सी। जी जनाब, ट्रेन जो है ये तो चल पड़ी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी सीट्स जो हैं वो खाली ही हैं। साथ साथ आप लोग बाहर का व्यू भी देखते जाएं, बहुत प्यारा व्यू है। होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे जैसे हम लोगों ने किया था। हम पहुंच जाए हैं लीड्स, यहाँ पे हमने उतरना है और यहाँ से हमने दूसरी ट्रेन लेनी है जो कि हमें डॉनकास्टर लेके जाएगी। तो हम निकल आए अपने ट्रेन से और अब हम पकड़ेंगे दूसरी ट्रेन।
बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे अपने ट्रैक की जानिब, जो कि हमारा दूसरा ट्रैक है। अभी हम उसको फाइंड कर रहे हैं। हमारा ट्रैक, और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन पहुँचे। जी जनाब, अल्लाह अल्लाह करके हमारी ट्रेन तो पहुंच आई। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब ये स्ट्रेट जो है वो डॉनकास्टर स्टॉप करेगी। दोबारा से रास्ते के व्यू को एंजॉय कीजिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ सफ़र मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं।
जनाब, हम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। अब दोबारा से हमें यहाँ से एग्जिट तलाश करना है ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। इस वक्त हम बहुत लेजी हो रहे हैं, तो बजाय सीढ़ियाँ उतरने के हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट के जरिए। ये है रास्ता बाहर जाने का। ta-da-da, we are in Doncaster. ट्रेन स्टेशन जहाँ से हम लोग अभी निकल कर आए हैं, और ये रहा डॉनकास्टर सिटी। अब हम लोगों ने टैक्सी ऑर्डर कर ली है और हम वेट कर रहे हैं टैक्सी के लिए। ये आ गई हमारी टैक्सी, अब हम इसमें बैठ चुके हैं और जल्दी ही हम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। एज यू कैन सी के ये प्लास्टिक शीट ड्राइवर ने अपनी सेफ्टी के लिए लगाई हुई है ताकि उस तक कोविड के जर्म्स ना पहुँच सकें। अब हम टनल में दाखिल हो रहे हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा गार का नहीं टनल का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी मौजूद रहती है। ये काफ़ी सारे शोरूम्स आ रहे हैं रास्ते में, बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियां हैं इनमें। साथ में ही आ गया है पेट्रोल स्टेशन, अगर आपने गाड़ी ले ली तो पेट्रोल तो चाहिए ही होगा। याहू, ये हम पहुंच आए अपनी फ्रेंड्स के घर। और ये डॉगी जो है, ये सबसे ज्यादा तो इनको खुशी हुई है हमारे आने की। ये देखें कैसे हमें वेलकम कर रहे हैं।
दोनों डॉगीज बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। अगर आप इनकी फ़र देखें तो यूँ लगता है जैसे इन्होंने वेलवेट की जैकेट पहन रखी है। जब सब लोग बाहर चले गए तो ये तो बोर हो रहे हैं, इन लोगों ने आपस में खेलना शुरू कर दिया। जनाब जू साहब भी बाहर तशरीफ ला चुके हैं। ये है मिस हीरा। फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा दिन स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस अपने घर की जानिब रवाना हो गए। ये रहा ट्रेन स्टेशन जहां से हमने वापसी की ट्रेन पकड़नी है। ट्रैक पर टाइम से थोड़ा कुछ पहले पहुंच गए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। आई है लेकिन ये हम लोगों की नहीं है, लेकिन ये ट्रेन काफ़ी लंबी है। आ गई हमारी ट्रेन, अब हम इसमें बैठ जाएंगे।
लोग गए थे तो उस वक्त फिर भी उक्का दुक्का लोग ट्रेन में मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हमारे अलावा इस ट्रेन में और कोई भी नहीं है। पूरी ट्रेन खाली की खाली पड़ी है। अब हम उतर चुके हैं दोबारा लीड्स ट्रेन स्टेशन पर और अब हमें यहीं से टैक्सी पकड़नी है। How cute is this? NHS. We thank you. जी हाँ, हम NHS स्टाफ वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी जानों पर खेल कर हम सब लोगों की जानें बचाते हैं। ट्रेन स्टेशन का एग्जिट। ये सब शॉप्स आप देख सकते हैं। अगर आपने कुछ खाना है, शॉपिंग करनी है तो यहाँ से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सफर में साथ साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अब हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ लेंगे और आप सब ब्यूटीफुल फेसेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे संग संग चलते रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।